फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मार्च मंथ के सारे करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है याओसांग फेस्टिवल। ये मणिपुर का फेस्टिवल है जो होली के समय ही मनाया जाता है। इसमें भी जो मणिपुर के मैती लोग हैं वो रंगों से खेलते हैं, कल्चरल और रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं। यहाँ पर थाबल चोंगबा किया जाता है, जिसे डांसिंग इन द मूनलाइट कहते हैं। यहाँ पर मेल्स आकर फीमेल्स के हैंड्स को होल्ड करके उनके साथ डांस करते हैं। तो याद रखिएगा, याओसांग फेस्टिवल है मणिपुर की होली। आगे आते हैं वैदिक हेरिटेज पोर्टल के बारे में। इसे होम मिनिस्टर ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है। वैदिक हेरिटेज पोर्टल को क्रिएट किया गया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट IGNCA न्यू दिल्ली के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। अब ये जो वैदिक हेरिटेज पोर्टल है, ये हमारे वेदों में उपस्थित वेरियस एंशियंट नॉलेज को सामान्य लोगों तक कम्युनिकेट करने का, उन तक पहुंचाने का काम करेगा, ताकि लोगों में जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके हमारे वेदों से संबंधित। ये यूजर्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर 18,000 मंत्रों की 550 आवर का ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग भी मिलेगा चारों वेदों का। वेरियस बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट आदि के बारे में भी जानकारी होगी। आगे बात करते हैं उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि उड़ीसा में उपस्थित उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में इरोडिंग की स्पीड बढ़ गई है, मतलब उनका क्षरण होना तेज हो गया है। इन गुफाओं को पहला और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मेघवाहन वंश के शासक किंग खारवेल ने बनवाया था उड़ीसा के भुवनेश्वर के निकट। सबसे पहले 19th century AD में एंड्रयू स्टर्लिन, जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं, उन्होंने इसे फाउंड किया था। ये कुमारी पर्वत में मिलती हैं। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शंस भी है इसमें। ये गुफाएं मुख्यतः जैन मॉन्क्स के लिए विहार के रूप में डेवलप की गई थी। फिर 7th से 12th century के बीच उदयगिरी की गुफाओं में एक मेजर बुद्धिस्ट सेंटर बन गई थी। पहले ये 117 केव्स थी, लेकिन अब सिर्फ 33 ही देखने मिलती हैं, बाकी सारी खत्म हो चुकी हैं। इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। उदयगिरी हिल्स में 18 केव्स हैं और खंडगिरी में 15 केव्स हैं। अब इन दोनों ही जगह की गुफाओं को आदर्श स्मारक मॉन्यूमेंट के रूप में लिस्टेड किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। आगे बात करते हैं बूमचू फेस्टिवल के बारे में। यहाँ बूम का मतलब है पॉट या वास और चू का मतलब है पानी। तो देखिए, ये जो बूमचू फेस्टिवल है, ये कुंभ मेला ऑफ सिक्किम कहलाता है। सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम की तासिंदिंग मॉनेस्ट्री इसे मनाती है। फरवरी मार्च में, मतलब तिब्बतीयन कैलेंडर के पहले मंथ के पहले 15 दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसमें जो पॉट है वो बुद्धिस्ट गुरु रिम्पोशे की मेमोरीज से एसोसिएटेड है। इसमें वाटर को भरा जाता है। फिर यहाँ के लामास देखते हैं कि उस वाटर की कंडीशन कैसी है। यदि वाटर बहुत ही प्योर होता है, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी अच्छी होती है, तो माना जाता है कि सिक्किम स्टेट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा इस साल। तो ये है बूमचू फेस्टिवल ऑफ सिक्किम। आगे जानते हैं वर्ल्ड के पहले बैम्बू क्रैश बैरियर के बारे में। तो इसे बाहुबली के नाम से भी जाना जा रहा है। देखिए, रोड के साइड में जो मेटल के बैरियर्स लगे होते हैं ना, तो 200 मीटर का बैम्बू क्रैश बैरियर पहली बार वानी वरोदरा हाईवे विदर्भ रीजन में महाराष्ट्र में लगाया गया है। ये स्पेशल बैम्बू है जो सिर्फ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलता है। इसे हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन से कोटेड किया गया है और क्रियोसोट ऑयल से ट्रीट किया गया है। बाहुबली इसलिए नाम रखा गया इसका क्योंकि ये बैम्बू सा बेल्कू बैम्बू स्पीसीज से बिलोंग करता है। अब देखिए, ये आयरन या स्टील को रिप्लेस तो कर ही रहा है, साथ ही रूरल एग्रो फ्रेंडली भी है। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत एनवायरमेंटल कंसर्न को भी एड्रेस करता है और रूरल इकोनॉमी को भी सपोर्ट करता है। आगे जानते हैं शिशुपालगढ़ के बारे में। ये एक आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है। 2600 साल पुराना इतिहास है इसका, जो भुवनेश्वर के किनारे उपस्थित है। हाल ही में लैंड माफिया के माध्यम से इसे बहुत डैमेज किया जा रहा है। प्राचीन कलिंग राज्य इसी एरिया में था। अब इसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर वेरियस स्ट्रक्चर मिलेंगे, स्टोन्स और ईंटों का प्रयोग भी मिलेगा। बहुत से द्वार, दरवाजे डिफेंस के लिए भी मिलते हैं। ये साइट 7th century ईसा पूर्व से बिलोंग करती है, मौर्यन एम्पायर के भी पहले। सबसे पहले इसका एक्सकेवेशन बीबी लाल जी ने 1948 में किया था। ये स्क्वायर शेप में डेवलप्ड एरिया है जो डिफेंसिव वॉल से सराउंडेड है। सिटी के अंदर जाने के लिए 8 गेटवेज मौजूद हैं। आगे बात करते हैं खोंडा लाइट स्टोन के बारे में। तो 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है उड़ीसा के जाजपुर में। यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में उपस्थित खोंड ट्राइब के नाम पर खोंडा लाइट स्टोन इसका नाम दिया गया है। माना जा रहा है कि ये स्तूप 4.5 मीटर ऊंचा रहा होगा, जो 7th से 8th century से बिलोंग करता है। अब उड़ीसा की बात आई है तो देखिए, उड़ीसा गवर्नमेंट एक बड़े प्लान के साथ आई है, जिसमें अबादा स्कीम इंपॉर्टेंट है, जिसका फुल फॉर्म है ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। इसके तहत 3 साल तक पूरे के जगन्नाथ टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में डेवलप करना है। अब यहाँ जो खोंडालाइट स्टोन है ना, वो फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक है,
जो ईस्टर्न घाट में विजयवाड़ा, कटक आदि में पाए जाते हैं। इन्हें बेजवाड़ा नीज और कैलाश नीज भी कहा जाता है।